हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको क्लास 10 से 12th के साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग कॉमन पेपर है सभी ब्रांच या 6 सेमेस्टर के सभी ब्रांच के यानी कि स्टूडेंट को यानी कि मैनेजमेंट उसी का एक टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा और अधिकार यानी कि राइट्स। देखिए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपका जनरली हमेशा लाइफ में यूज होगा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपको जनरली लाइफ में यूज होता है। आप नाम भी सुने होंगे IPR की धारा यानी IPR धारा। खैर पॉलिटी में है पढ़ना लेकिन हम लोगों को इस टॉपिक में यानी कि मैनेजमेंट में पढ़ना है IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा या अधिकार। तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहता है कि इट इज ए लीगल यानी कि इट इज ए लीगल राइट इट इज ए तो खैर देखिए कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा प्रॉपर्टी और अधिकार यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। तो कहता है इट इज ए लीगल राइट यानी कि यह है कि लीगल राइट लीगल मतलब कानूनी अधिकार है। तो हिंदी में भी लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कानूनी आयो हो गया आपका वाणिज्य वाणिज्य तो अर्गिन होगा यानी कहता है कि इट इज ए लीगल यानी कानूनी अधिकार एंड एक वाणिज्य का अधिकार है। आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक कानूनी अधिकार और साथ ही वाणिज्य का अधिकार है। दूसरा डिफिनेशन कहता है दूसरा में डैश लेकिन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरह का अधिकार यानी राइट्स है गिवन टू द पर्सन जो पर्सन को दिया जाता है फॉर क्रिएटिंग ऑफ देयर माइंड यानी कि निर्माता को दिया जाता है उसके माइंड को डेवलप करने के लिए। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक तरह का अधिकार है जो निर्माता को दिया जाता है उसको माइंड को डेवलप करने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए। उसके बाद कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिव्स आइडिया टू द पर्सन यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आइडिया देता है पर्सन को तो हु डेवलप वह अपने माइंड को डेवलप करे यानी विकास करे फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर कहता है IPR मतलब लिखिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। IPR अलाउ द क्रिएटर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक अलवाय करता अधिकार देता है टू प्रिवेंट यानी रोकता है किससे देयर आइटम डेट यूज अदर पर्सन इन द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। इसे कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका एक अधिकार देता है यानी प्रिवेंट यानी रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान यानी घड़ी सरफ है घड़ी सरफ को एक कंपनी उसका बना रहा उसका प्रोडक्शन क्रिएशन कर रहा इसी तरह का कोई दूसरा यानी कि पर्सन चाहेगा उसको उसी तरह का जब जस्ट सेम टू सेम कॉपी करके और उसी तरह का प्रोडक्ट यानी बाजार में बेचने के लिए करेगा तो यानी कि अर्न प्रॉफिट यानी कि कमाई के उद्देश्य से करेगा तो उसका IPR की धारा लगेगा और उसको अधिकार यानी कानूनी अधिकार का हनन होगा। जो व्यक्ति मतलब घड़ी का जो मैनेजर है यानी मालिक है उसको पर एक धारा का IPR का धारा लगाकर उनको जेल डलवा सकते हैं। तो ये हो गया कहता है कि IPR एलवाय द क्रिएटर ये प्रिवेंट यानी रोक सकते हैं आप कहता है एक दूसरे पर्सन को कि देयर इन मोटिव ऑफ मान लीजिए आपका आइटम यानी सीधा एग्जांपल आप यूट्यूब पर देखिए यूट्यूब मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा वीडियो कोई बच्चा कोई पर्सन यानी कि क्लिप करके और दूसरे ओपन दूसरे चैनल यानी कि अपना एक खुद चैनल बनाकर वो अपने मेरे वीडियो को उस चैनल पर अपलोड करे इसके साथ यानी कि मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से अपने चैनल पर करे तो मैं इसके यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अनुसार हमारा एक अधिकार है कि मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ उसके चैनल को बैन करवा सकता हूँ। ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहता है कि एक तरह का अधिकार है जो आपका आइटम्स या कुछ भी बना रहे हैं जैसे वीडियो भी बना रहे हैं यूट्यूब पर या किसी प्रकार का डांसिंग वीडियो क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी
आपका दूसरा पर्सन आपको अपने चैनल के पर नहीं अपलोड कर सकता, उसको यानी कि अपलोड नहीं कर सकता है, यानी प्रॉफिट कमाने के पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं अपलोड कर सकता है। यानी कि देखो कॉपीराइट्स, कभी कभी जब आप लोग कॉपीराइट्स का नाम सुना होंगे, कॉपी राइट्स, यानी कॉपीराइट्स का भी एक तरह का एग्जांपल आपकी देख लीजिए, कॉपीराइट्स ही देख लीजिए, एक तरह का आईपीआर के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एग्जांपल है। यानी कि आपका कोई वीडियो अपलोड किया, उसका कॉपीराइट कर यानी कॉपी करके दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे पर्सन आपका वीडियो अपलोड कर रहा है अपने चैनल पर पैसा कमाने के उद्देश्य, तो आप इसका कॉपीराइट्स यानी कि यूट्यूब चैनल है जो कॉपीराइट्स लगाकर उसके वीडियो को क्लोज कर देगा यानी बंद करवा देगा। कहता फिर इट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएटर फॉर देयर आइटम्स एंड प्रोडक्ट। कहता है कि यह एक विशेष प्रकार का अधिकार या आपको विशेष अधिकार देता है क्रिएटर को, निर्माता को, उसके आइटम और प्रोडक्ट के लिए। यानी कि यह एक आईपीआर प्रोवाइड करता है, यानी कि विशेष प्रकार का अधिकार देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको एक विशेष प्रकार का अधिकार देगा क्रिएटर को उसके प्रोडक्ट और आइटम्स को यानी कि प्रिवेंट एंड रोकने बचाने के लिए। फिर इसका एडवांटेज देखे तो हम लोग इसका एडवांटेज आईपीआर इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एडवांटेज देखे तो पहला कहता है इट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएटर, यानी यह एक विशेष रूप से अधिकार निर्माता को अधिकार देता है कि आपका वीडियो यानी कि आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए। कहता है इट प्रोवाइड लीगल राइट्स टू देयर आइटम्स, यानी कि इट प्रोवाइड लीगल यानी कि कानूनी अधिकार देता है आपको आइटम के लिए। इसका मतलब आपका आइटम कोई दूसरा कॉपीराइट कॉपी करके यूज ना कर सके, या उसे जो भी प्रोडक्ट है उसी तरह का प्रोडक्ट को ना बना सके, यानी कॉपी आपका जस्ट बाय टू यानी जस्ट नहीं होना चाहिए, कॉपी नहीं कर सके। कहता है इट एलवाय द क्रिएटर, यानी निर्माता को यह अधिकार एलवाय करता है। कहता है टू प्रिवेंट देयर प्रोडक्ट, उन्होंने उसके प्रोडक्ट को रोकने के लिए, यानी कि वैसा ही प्रोडक्ट या आइटम या कुछ भी वीडियो कोई भी नहीं बना सकता, यानी कि क्रिएटर को निर्माता को यह अधिकार देता है क्या कि इसका प्रिवेंट देयर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ताकि उसका कॉपी ना हो सके। ये होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एडवांटेज। उसके बाद चौथा देखे तो ये कहता है इट प्रोवाइड मार्केट ऑफ योर बिजनेस, ये आपका यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करवाता है मार्केट बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी आपका बिजनेस का, यानी कहता है इट प्रोवाइड मार्केट फॉर योर बिजनेस, आपका बिजनेस के और प्रोडक्ट या सर्विस, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप सर्विस ही क्यों दे रहे हैं, तो ये होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका अधिकार देता है। इनका कहता है इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल डेवलपमेंट, यह आपको यह अधिकार देता है, यानी कि हेल्प करता है, मदद करता है इसमें फाइनेंशियल डेवलपमेंट माने विकास करने, यानी फाइनेंशियल विकास आप कर रहे हैं उसमें आपका कोई व्यक्ति को आपका वीडियो को दूसरे चैनल पर अपलोड कराते हैं, यानी कॉपीराइट हो गया उसका, कॉपी लग के उसको राइट लग गया, यानी कि आपका अधिकार एक तरह से इसका कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत। तो कहता है इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये आपका हेल्प करेगा फाइनेंशियल डेवलपमेंट में। तो ये था आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपको सिक्स सेमेस्टर का फर्स्ट मैनेजमेंट में पढ़ना फर्स्ट यूनिट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये आप मान लीजिए कि 90% वीवीआई मार लीजिए, स्टार मार लीजिए, ये आपका एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इसके पहले वाला एग्जाम में यानी कि 2021 में ग्लोबलाइजेशन पूछा, यानी फर्स्ट यूनिट से चार नंबर ग्लोबलाइजेशन पूछा था, यानी कि वैश्वीकरण, लेकिन इस बार 90% चांस है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पूछना ही पूछना है। तो खैर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, देखिए मैं हम यहाँ यानी कि राय ऑनलाइन एकेडमी पूरे आप टीम आपके साथ जुड़ा है, यानी कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए, तो आप मेहनत करके पढ़िए और ये हो गया, और अधिक से अधिक यानी कि एक स्टूडेंट कम से कम 10 से 15 लोगों को शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक चैनल को यानी कि प्रमोट कराने में मदद कीजिए, सब्सक्राइब कराना। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद।